अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये हमने पगड़ी वाला टोपी आज मैं बताने जा रही हूँ, जो ये बनाने में बेहद आसान है और एक से डेढ़ घंटे के अंदर में ये टोपी आपका बन जाएगा इतना साइज का। तो इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। किस तरह से बनाएंगे, ये जीरो साइज का एक से लेके छः महीना के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा। ये देखिए 75 फंदे का है और बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी सर्दी का मौसम है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये दो कलर का पगड़ी वाला टोपी, ये इस ऊन से हम दोनों से बनाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं, कितना फंदा डालते हैं। ये 10 नंबर का हमने सिलाई लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 75 फंदा डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदा डाल लेते हैं। इस तरह से करके इस कलर से हम 60 फंदा डालेंगे इससे, और 15 फंदा हम व्हाइट वाला से डालेंगे। तो पहले हम इसमें 60 फंदा डाल लेते हैं इस तरह से करके ऐसे। देखिए, इसमें हमने 60 फंदा डाल दिया है ये कलर से। अब हम ये व्हाइट वाला लेंगे, व्हाइट वाला से 15 फंदा डालना है। इस तरह से डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद उसी तरह से फंदा जिस तरह से डाला जाता है उसी तरह से फंदा डालना है ऐसे। इस तरह से 15 फंदा डालना है। तो 15 फंदा डाल के हम आपको फिर दिखाते हैं। देखिए, 3 फंदा हो गया है। तो 15 फंदा डाल के दिखाते हैं। देखिए, 15 फंदा इसमें हमने डाल लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा बनाना है ऐसे। एक ये सारा फंदा ये हम उल्टा ही बनाएंगे। तो ये 15 फंदा हम उल्टा बना के यहाँ पे आते हैं पिंक वाले कलर पे, तो आपको दिखाते हैं वहां पे किस तरह से बनाना है। तो ये यहाँ तक बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमने 14 फंदा बुन लिया है, एक फंदा ये है। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, ये तो अलग हो गया। इसे हम इस तरह से लेंगे और इस धागे को ऐसे कर देंगे, और ये जो धागा है इसे हम इस तरह से लेंगे ताकि ये अलग ना हो, इस तरह से जुट जाए। तो देखिए, ये जुट गया है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा ही बनाएंगे ऐसे। तो पूरी सलाई उल्टा बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। देखिए, ये रू हमने कंप्लीट कर लिया है, इधर से सिर्फ उल्टा बनाया है। अब हम इधर से देखिए, इधर से इस तरह से बनाएंगे। तो पूरी सलाई हमें इसी तरह से बनाना है ताकि सीधे की तरफ से पूरा उल्टा आए और उल्टे की तरफ से ये पूरा सीधा जाएगा। तो देखिए, इस तरह से भी पूरी रो कंप्लीट करके हम दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से आएगा। देखिए, ये रो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और एक फंदा यहाँ पे है। तो इसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे। और देखिए, इसको बुनने के लिए धागा को ऐसे करेंगे और इस धागे को इस तरह से बुनेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप धागा ऐसे करेंगे उल्टे की तरफ से तो उल्टा आने लगेगा। तो धागा इसलिए आप आगे कर लीजिएगा, उल्टे की तरफ से कीजिएगा इस तरह से ऐसे। ये देखिए, इस तरह से उल्टा बनाना है। धागा को चाप दीजिएगा तो वो अलग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा।
लेकिन इसी तरह से बनाना है। ये चार सलाई, दो सलाई हो गया है, इधर से देखिए ये देखिए, फिर से वही हम बनाएंगे ऐसे, उल्टा ही बनाना है। तो हम यहाँ तक आके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है और इसे इस तरह से बुनेंगे, धागा को पीछे करके इस तरह से लेंगे, ये देखिए फिर से वही सारा उल्टा ही बुनेंगे, इस तरफ से सीधे की तरफ से सिर्फ उल्टा बनाना है। और ये तीसरी सलाई है, देख लीजिए ये आपको दिखाई देता है, एक दो और ये तीन। तो यहाँ तक बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये भी कंप्लीट कर लिया है और ये चौथा सलाई है, इस तरफ उल्टा आने को। तो ये उल्टा चार चार सलाई करके बुना जाएगा, ये देखिए इस तरह से बुनेंगे, ये चौथा सलाई है, इधर एकदम प्लेन रहेगा और इधर एकदम उल्टा रहेगा। तो फिर से यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, धागा को इस तरह से आगे करके और इस धागे को पीछे करके इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, जो 15 फंदा है। तो ये 15 फंदा ये देखिए इस तरह से, ये बुनने के बाद ये देखिए ये उल्टा हो गया, चार सलाई आपका। अब हम ये इस तरफ बुनेंगे, ये जो है अब हम इस तरफ उल्टा बुनेंगे, ये देखिए। अब इस तरह से चार सलाई हमें इस तरह से बनाना है ताकि ये वाला उल्टा इधर आ जाए और इधर में सीधा हो जाए। तो इसी तरह से करके हमें बनाना है उल्टा उल्टा, देखिए। और इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस धागे को ऐसे लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार उल्टा इधर, चार उल्टा इधर, इस तरह से करके आपको कितना लंबा बनाना है उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो हम इस तरह से बना के पूरा फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इतना बना लिया है, ये वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 उल्टा है और सीधा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सीधा भी 6 है। तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इस तरह से पहले बंद कर देंगे, इसे सफेद वाला, इस तरह से बंद करेंगे एक एक करके ऐसे, यहाँ तक बंद करेंगे, जितना दूर सफेद है उतना सारा बंद कर देंगे 15 फंदा। तो बंद करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 14 फंदा कर दिया है, एक और करेंगे इसमें से लेके, तो ये पूरा 15 हो जाएगा। और इस धागे को निकाल देंगे, इसे निकाल के यहाँ पर बांध देंगे,
अब हम ये वाला जो है इस तरह से बुनेंगे। देखिए एक एक ये दो तीन चार पांच और ये छह। सबसे पहले हम इस तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं सिलाई में यहाँ तक, और उल्टा बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सीधा के तरफ से है, तो इसे हम पहले एक फंदा उतारेंगे और उसके बाद एक ये देखिए तीन फंदा है, चार और ये पांच। यहाँ पे इस तरह से पांच फंदा लेके और एक फंदा घटा देंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा इस तरह से घटाएंगे। इस तरफ का एक और इस तरफ का एक इस तरह से लेके, फिर एक दो तीन चार और ये पांच। फिर ये बीच वाला फंदा ऐसे लेंगे और इस तरफ का एक और इस तरह से ऐसे इस तरह से, फिर पांच फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर ये बीच वाला फंदा ऐसे लेंगे और इस दोनों को इस तरह से घटाएंगे, इस तरह से कर देंगे। फिर पांच फंदा लेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर ये एक फंदा बीच वाला लेंगे और ऐसे करेंगे। इस तरह से करके पूरी सिलाई हमें बनाना है, यहाँ तक बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दो दो चार और एक पांच फंदा सिर्फ बच रहा है, तो यहाँ पे हम ये फंदा जिस तरह से यहाँ पे घटाए हैं तो यहाँ पे हम नहीं घटाएंगे, इसे इसी तरह से बुन लेंगे और उल्टे की तरफ से पूरा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए उल्टे की तरफ से सिर्फ उल्टा बनाना है इस तरह से, तो पूरे उल्टे बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक दो तीन और ये चार, और यहाँ पे इस तरह से घटाएंगे इसे। फिर यहाँ पे एक दो तीन और ये चार, और ये बीच वाला ऐसे लेंगे और इसे इस तरह से और फिर इस तरह से, इस तरह से ये पूरा घटेगा। अभी चार फंदा ये आपका बीच में बच रहा है, उसके बाद तीन, उसके बाद दो, उसके बाद एक आ जाएगा। इस तरह से करके ये पूरा फंदा घट जाएगा, तो हम पूरा फंदा घटा के फिर आगे आपको दिखाते हैं इसका सिलाई किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पे बीच बीच में ये आपका चोटी जैसा बन जाएगा और ये वाला देखिए टेढ़ा हो जाएगा, तो हम पूरा घटा के आपको दिखाते हैं। सिर्फ इसी तरह से घटेगा। देखिए यहाँ पे पहले हमने चार फंदा लिया था यहाँ पे, उसके बाद अभी देखिए तीन बच गया है, अभी आएंगे इसके बाद दो बचेगा, उसके बाद एक बचेगा, तो एक बचेगा तो फिर आपको दिखाएंगे, तो पूरा सिलाई कम्प्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये घटाते हुए हमने इतना फंदा बचाया है और ये आपका देखिए इस तरह से घट के आया है, तो इसे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इसे हमें बनाना नहीं है, इसे हम धागे को इतना लंबा काट लेंगे ऐसे, और ये जो है
इस तरह से एक एक करके इसमें से निकाल देंगे धागा। इस तरह से एक एक करके हम निकालेंगे, निकाल के ये देखिए इस तरह से इसमें नीडल में पहले हम डाल लेंगे धागे को। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये धागा लगाएंगे और इसे यहाँ पे बांध देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसे इस तरह से इस तरह से करके यहां तक देखिए, ये जो घटाया गया यहां तक नहीं, यहां तक ऐसे और इसे हम इसे पहले देखिए खींच देते हैं और इसे हम यहाँ तक सी लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे सीएंगे। इसे बांध देंगे। इसे बांधने के बाद इस दोनों को कट कर देंगे। अब देखिए इसे यहां से पकड़ेंगे इसे भी यहाँ पे बांध देंगे। और उसी तरह से सीना है जैसा कि हमने इधर वाला सी लिया है। इस तरह से एक एक करके ये देखिए इसे इस तरह से टानेंगे और इसे जो है इसे यहाँ पे इसे पूरे तरह से खींचेंगे पहले।
इसे देखिए, इसे आपको इस तरह से सेट करना होगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे इस तरह से एक मोती लगा दीजिए या यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए, इस तरह का टोपी आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से टक करके आपको दिखा। तो देखिए, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।